दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कहाँ पे दोस्तों जो ये हमारा मोबाइल का जो पीसीबी होता है तो कहाँ पे हम इसको जंपरिंग कर सकते हैं और कहाँ पे जंपरिंग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे भाई को पता होगा कि कहाँ पे हम जंपर कर सकते हैं और कहाँ पे जंपर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखें। दोस्तों आप लोग ज़रूर सीख जाइएगा घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग का काम। और पहले दोस्तों आप लोग छोटा लेवल मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखिए, उसके बाद एडवांस लेवल पे सीखिए, तभी अच्छा होगा। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि आपका जो मोबाइल का पीसीबी होता है दोस्तों कहाँ पर हमको जंपरिंग करना चाहिए और कहाँ पर दोस्तों हमको जंपरिंग नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों कि आपके पास एक मल्टीमीटर होना बहुत ही ज़रूरी है, और यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हो तो आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए ही दोस्तों। तो आप अपने नज़दीकी मार्केट से जाकर दोस्तों मल्टीमीटर खरीद लीजिएगा और आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग का काम आप लोग आसानी से सीख सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि इसमें दो तीन ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप जंपरिंग दोस्तों नहीं कर सकते। यदि आपका दोस्तों ये आईसी ख़राब हो गया, ये आईसी ख़राब हो गया दोस्तों, तो आप इसमें जंपर नहीं कर सकते हो। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि हम आईसी को भी निकाल के दोस्तों जंपर कर देंगे तो वो चलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये आईसी मेन चीज़ होता है और ये मोबाइल का दिमाग है दोस्तों। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका कुछ भी मोबाइल में चलने वाला नहीं है। तो और एक बात और दोस्तों, ये कैपेसिटर जो लगा हुआ रहता है, तो बहुत सारे भाई का कमेंट आया था कि दोस्तों यदि हम कैपेसिटर को ऐसे निकाल देते हैं, मान लीजिए ये कैपेसिटर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इस कैपेसिटर को मान लीजिए हम इसको निकाल देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको लगाना ज़रूरी है कि नहीं लगाएंगे फिर भी दोस्तों चलेगा। एक बात बता दूं दोस्तों कि ये वाला जो कैपेसिटर था दोस्तों, आप इसको नहीं भी लगाओगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको चलेगा और मोबाइल में कोई सा भी फॉल्ट नहीं आएगा दोस्तों। होता क्या है, कभी कभी दोस्तों हमारा कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, जिस वजह से हमें दोस्तों ये जितना भी कैपेसिटर लगा होता है दो चीज़ में लगा होता है, ये एक तो दोस्तों सीरीज कनेक्शन में लगा होगा या दोस्तों पैरेलल कनेक्शन में लगा होगा। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है दोस्तों और सीरीज कनेक्शन क्या होता है, यदि आपको पता नहीं है तो हमारा पिछला वाला वीडियो आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो आप लोग समझ जाएगा कि पैरेलल कनेक्शन किसे कहते हैं, सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं। सीरीज कनेक्शन में दोस्तों जो भी कैपेसिटर लगा होगा वो दोनों साइड से दोस्तों बीप की आवाज़ सुनाई देगा, लेकिन जो भी कैपेसिटर दोस्तों पैरेलल कनेक्शन में लगा होगा वो एक साइड से वैल्यू देगा, दूसरी साइड से बीप देगा दोस्तों। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर को चेक कहाँ पर हम लोग करते हैं दोस्तों, कंटिन्यूटी मोड पर। कंटिन्यूटी मोड कहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर चलिए हम इसको कंटिन्यूटी मोड पर दे देते हैं, दे दिए हैं दोस्तों कंटिन्यूटी मोड पे। दोस्तों इसको चेक करते हैं कि जब भी आप कंटिन्यूटी मोड पे डालते हो दोस्तों मल्टीमीटर को, तो एक बार ज़रूर चेक कर ले। जब आप इस दोनों को टच करोगे दोस्तों तो बीप की आवाज़ सुनाई देना चाहिए, ये देखिए बीप की आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये रेड वाला जो होता है इसको हमें ग्राउंड करना होता है, तो इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। ग्राउंड करने के लिए दोस्तों आपका जो पीसी भी ये होता है दोस्तों, उसमें जो ये सिम कार्ड होता है उसको आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इसमें ऐसे डाल दीजिएगा, या दोस्तों आप पकड़ के कर सकते हो, हमने डाल दिया है। अब जो हमारा बैक ब्लैक वाला है इसको दोस्तों हम कैपेसिटर को चेक करते हैं। इससे सबसे पहले दोस्तों अब कैपेसिटर ये देखिए दोस्तों वैल्यू शो हो रहा है, और इधर देखिए इधर बीप की आवाज़ सुनाई दे रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो हमारा कैपेसिटर जो लगा हुआ है ये दोस्तों पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों सीरीज कनेक्शन की, अब ये दिखा देते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ है दोस्तों। यदि दोस्तों आप इसको हटा देते हो, ठीक है, सीरीज कनेक्शन वाले कैपेसिटर को हटाते हो, तो होता क्या दोस्तों आपको यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन जो होता है उससे दोस्तों यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है, क्योंकि दोस्तों इसका जो सप्लाई होता है ना
वो कट हो जाएगा, और जब ये सप्लाई कट हो जाएगा दोस्तों तो आगे तक सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको सोल्डिंग से कर सकते हो, ठीक है। यदि यहाँ से यहाँ तक करंट नहीं पहुंच पा रहा है तो आप लोग ट्रेस करके ही इसको कर सकते हो। इसका भी वीडियो हम बना दिए हैं कि आप लोग पीसीबी में ट्रेस कैसे कर पाओगे दोस्तों। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जो ये पैरेलल कनेक्शन में लगा होता है उसको आप निकाल भी दोगे उस कैपेसिटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों आप लोग ये छोटा वाला जो कैपेसिटर होता है इसको निकाल भी सकते हो, तो उससे ज़्यादा मोबाइल का पीसीबी होता है उस पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप लोग निश्चित रहे दोस्तों, आपका मोबाइल पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और जो कैपेसिटर फॉल्ट है उसे आप चिमटा से लेकर दोस्तों इसको निकाल दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी हम आप लोग को दोस्तों लेके आएंगे।